अभी वर्तमान विधायक भगवान दास सवनामी जी का स्टेटमेंट वो भी आए थे, नाव से पहले अपनी मनोकामना लिखे गए थे, वो जीत गए और जीत के आए तो उन्होंने कहा भाई मेरी मनोकामना हनुमान जी ने पूरी करी है। लोग आते हैं ना, किसी को जगदाता करना है, किसी को भजन करना है यहाँ पे। तो जब मंदिर बन रहा था तो उनको स्वप्न हुआ था जी कि यहाँ पे विराजित होना है, स्थान उनको विराजित होना है। मनोकामना शिला है यहाँ पे, जो भी भक्त अपनी मनोकामना इस उंगली से लिखते हैं और इसमें हनुमान जी के दर्शन करते हैं, सामने हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, आपकी जो भी मनोकामना हो जय श्री राम करके अपना मनोकामना यहाँ पूरी करते हैं, हनुमान जी की मनोकामना पूरी करते हैं। सर इनकी महिमा क्या, तो और अभी मतलब एक सहयोग हुआ कि उनका आशीर्वाद हुआ, आदेश हुआ, हम शरण में आ गए। पहले आपकी यहाँ पे अर्जी लगाया जाता है, मनोकामना शिला है, वहाँ पर भी अर्जी होती है और नारियल हाथ में लेकर के, श्रीफल हाथ में लेकर के, बस भगवान के शरण मिलते हैं, सब ही अच्छा ही होता है। यहाँ जो चाहो वो मनोकामना पूरी हो जाती है। माता रानी के दरबार को लगभग 40 साल से ज्यादा हो गए। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। सुप्रभात दोस्त मित्रों, आज हम भोपाल के महालक्ष नवरात्रि के उपलक्ष में भोपाल के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के आपको दर्शन कराते हैं। आज हमें भोपाल के जो मार्केट स्थित केड़ापति हनुमान मंदिर में, जहां हनुमान जी महाराज और समस्त देवी देवताओं सहित माँ जगत जननी भी विराजमान है, तो आइए चलिए दर्शन हनुमान जी महाराज के दर्शन करते हैं, आइए और जानते हैं भक्तों से और मंदिर के सचिव से इस मंदिर की महिमा के बारे में, कितना प्राचीन मंदिर है। महाराज जी जय सियाराम। महाराज जी कितना प्राचीन है मंदिर यहाँ पर ये? जय श्री राम। हम पुजारी पंडित हेमलाल शर्मा, हम आसाम जोरहाट आसाम से बिलोंग करते हैं और हम यहाँ पे तीसरी पीढ़ी हम लोगों की हो गई बाबा की सेवा करते, और के पहले पंडित कृष्ण राजौरिया जी थे, उनके पहले उनके पिताजी करते थे हाँ, और अब हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे गेहूँ की खेती हुआ करती थी पहले, और पूरा खेड़ा था, ये खेड़ा मीन्स गांव खेड़ा हाँ, तो बस खेड़ापति के नाम से प्रसिद्ध हो गया बाबा जी। और इसी पहले उनको जब मंदिर बन रहा था तो उनको स्वप्न हुआ था शुक्ला जी को कि यहाँ पे उनका विराजित होना है स्थान, उनको विराजित होना है, तो ऐसा जो बन गया। तो रात कितने वर्ष लगभग मेरे ख्याल से तीसरी पीढ़ी हम लोग कर मतलब कर रहे हैं, 100 साल 100 वर्ष पुराना मंदिर समथिंग समथिंग। क्या महिमा है मंदिर की, हनुमान जी महाराज की क्या महिमा है? ये जो है हनुमान जी, पहले आप यहाँ पे अर्जी लगाया जाता है, मनोकामना शिला है, वहाँ पर भी अर्जी होती है और नारियल हाथ में लेकर के, श्रीफल हाथ में लेकर के अर्जी लगाया जाता है, जो भी अर्जी अपनी होती है संकल्प मन में प्रभु जी से बाबा से कामना करके रख दिया जाता है, और 2 मिनट से लेकर के 2 साल के अंदर में उनकी कामना पूर्ण होती है, यहाँ इनकी मानता है। वो मनोकामना शिला कौन सी है महाराज, हम देख रहे हैं सामने, ये सामने है मनोकामना शिला, आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे। जी जी, मनोकामना शिला जैसा गुरु जी ने बताया हमें, यहाँ पे एक मनोकामना शिला है जिस पर लोग अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए मन्नत मांगते हैं, आइए हम उसके दर्शन करते हैं। ये वो मनोकामना शिला है, ये मनोकामना शिला है यहाँ पे, जो भी भक्त अपनी मनोकामना इस उंगली से लिखते हैं और इसमें हनुमान जी के दर्शन करते हैं, सामने हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना हो जय श्री राम करके अपना मनोकामना यहाँ पूरी करते हैं और हनुमान जी की मनोकामना पूरी करते हैं। अभी वर्तमान विधायक भगवान दास सवनामी जी का स्टेटमेंट वो भी आए थे, नाव से पहले अपनी मनोकामना लिखे गए थे, वो जीत गए और जीत के आए तो उन्होंने कहा भाई मेरी मनोकामना हनुमान जी ने पूरी करी है, यहीं से विधायक बना हूँ, हमको सबको बात शेयर कर गए हो बता के गए, और भी भक्त आते हैं सबकी मनोकामना यहाँ पूरी होती है। विस्तार अभी समिति अभी इस रूप में हम देख रहे हैं मंदिर को, भव्य रूप में देख रहे हैं मंदिर को, और उसमें क्या नया रूप लाने की कोशिश कर रही है समिति? नया रूप में मंदिर का रेनोवेशन कार्य जारी है, आप लोग देख रहे होंगे बाहर गेट छोटा था, गेट छोटा और जो पुराने पत्थर वत्थर थे वो रेनोवेट करा जा रहा है, ऊपर भी एक शिखर का काम चल रहा है वो भी थोड़ा सा आगे बना है, और साइड में भी कुछ काम मतलब पूरा मंदिर रेनोवेट हो रहा है। कौन से उत्सव इस मंदिर में मनाया जाता है? इस मंदिर में सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाता है स्थापना दिवस, मंदिर का स्थापना दिवस है, इसके बाद हनुमान जयंती का पर्व भी बड़े धूमधाम से, भंडारा और सुंदरकांड का पाठ एक दिन पहले से, अखंड हवन का पाठ और कीर्तन वगैरह मतलब ये भी मनाया जाता है, जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, सरस पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जाता है, और करीब करीब जो वार्षिक त्यौहार है सारे मनाए जाते हैं।
ऊपर राम जी की और दुर्गा जी की स्थापना को लगभग कितना समय हुआ होगा? लगभग 40 साल 40 साल हो गया होगा। मंदिर को जो भव्य रूप प्रदान किया गया है समिति की ओर से, मंदिर में जनताओं से क्या अपेक्षाएं रखती है, क्या उनको सहयोग भरपूर मिलता है? जनता बराबर सहयोग करती है, भक्त बराबर हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, होती हैं, वो बराबर सहयोग करते हैं और हनुमान जी में आस्था है। भोपाल के न्यू मार्केट क्षेत्र में एक बहुत छोटे से स्थान से आज इस मंदिर ने इतना भव्य रूप ले लिया है। हम कई भक्तों से और भी कुछ भक्तों से भी इस विषय में बात करेंगे, मान्यताएं जिनकी पूरी हुई है उनसे भी बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं भाई साहब से। बात भाई साहब, आप कब से आ रहे हैं? मैं यहाँ अनेकों वर्षों से आ रहा हूँ। आपकी कोई मनोकामना है? बस भगवान के शरण मिलते हैं, सब ही अच्छा ही होता है। न्यू मार्केट के लिए हम यहाँ 1250 गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहते हैं। जी जी, तुलसी नगर 1250 तुलसी नगर गवर्नमेंट क्वार्टर्स में निवास करते हैं। सरकारी कर्मचारी मतलब विश्वविद्यालय में, जी जी, राजीव गांधी विश्वविद्यालय में है। तो मंदिर को भव्य रूप प्रदान किया गया, आप इसमें और भी सहयोग करते रहेंगे? बस उनकी कृपा से सब आते रहे, सब होता रहे, सब बढ़िया। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अच्छा लगा इनकी महिमा, तब इनकी महिमा क्या, तो और अभी मतलब एक संयोग हुआ कि उनका आशीर्वाद हुआ, आदेश हुआ, हम शरण में आ गए, दर्शन मिल गए और सब मिलता ही है भगवान के। तो हनुमान जी महाराज की कृपा है ही। हम बात करेंगे दीदी से। नमस्ते दीदी, धन्यवाद। आप कब से आ रहे हैं? आपकी कोई विशेष मनोकामना है? और इसके अलावा आप मंदिर के विस्तारित रूप से कितना अच्छा लग रहा है? मंदिर को काफी रूप देख के अच्छा लग रहा है, और अभी और काम भी चल रहा है तो अच्छा लग रहा है। आप भी इस मंदिर में आते हैं क्या? मैं तो पहली बार हूँ। फर्स्ट टाइम आया, कैसा लग रहा है आपको मंदिर का? चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्ते, हम महाराज जी से बात करेंगे। महाराज जी नमस्ते। महाराज प्रणाम। महाराज आप यहाँ यही इस मंदिर में ही पूजा करते हैं? नहीं, पूजा तो नहीं करते हैं, यहाँ जुड़े हैं, आते हैं। आज 25 साल हो गए यहाँ आते हैं। सब अपने मित्र मंडली हैं, पंडित वगैरह सब, इनसे मिलने के लिए, दर्शन के लिए आते हैं यहाँ। तो कैसी कैसी महिमा है हनुमान जी महाराज की इस मंदिर में? दादा अपार है, यहाँ जो चाहो वो मनोकामना पूरी हो जाता है। हम तो 25 साल से आ ही रहे हैं, सब जो सब मनोकामना पूरी हो जाती है। मंदिर को इतना भव्य रूप प्रदान कर दिया गया है, कैसा लग रहा है आपको मंदिर? अच्छा लग रहा है, आप चाहिए यहाँ तो चक्का चक्का आनंद है, आनंद है, तो तीव्र दर्शन हो रहे हैं, सब चक्का चक्का आता है, सब सब उनकी कृपा सब है। अभी वर्तमान में नवरात्रि का पर्व चल रहा है, मंदिर में कोई विशेष आयोजन हो रहा है? तो प्रभु ये मुखिया ये बैठे हैं, ये हनुमान जी के होबे करेगा, ये तो हर माने आप ये हनुमान जयंती में, स्थापना दिवस में, नवरात्र में, ये तो माने ये रामचरितमानस ये पूरे होने वाला ना, सब कार्यक्रम चल रहा है इसका, धीरे धीरे जो है ना सब व्यवस्थित होकर सब चल रहा है, आगे ऊपर और बंद है व्यवस्थित। और चलिए हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद, आपको आशीर्वाद प्रणाम। आइए ऊपर, ऊपर भी राम दरबार और हनुमान जी महाराज और माता जी की स्थापना है, उनके दर्शन करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मंदिर के तृतीय तल पर माँ जगत जननी देवी का स्थान भी है, आइए उनके दर्शन करते हैं और जानते हैं उनकी महिमा के बारे में। अच्छा, कब से कितने वर्ष हो चुके हैं माता रानी की स्थापना? माता रानी के दरबार को लगभग 40 साल से ज़्यादा हो गए। इस दरबार में चैत्र नवरात्रि दोनों नवरात्रियों पर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है ब्राह्मणों द्वारा सुबह शाम, और अपना हवन का कार्यक्रम भी किया जाता है। तो 9 दिन तक बराबर जो है कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो माता रानी के लिए कोई विशेष आयोजन होता है कोई, या कोई भक्त अपनी तरफ से माता रानी के लिए कुछ कराना चाहते हैं तो उसके लिए क्या व्यवस्था? भक्त लोग आते हैं अपना, किसी को जगदाता करना है, किसी को भजन करना है, यहाँ पे पूरे महिला मंडल के समूह आते हैं, या नीचे जो राम दरबार देख रहे हैं आप, यहाँ पे महिलाएं अपना भजनों के कार्यक्रम करती हैं, तो माता जी के और कन्या भोज का कार्यक्रम किया जाता है यहाँ पे। सारे कार्यक्रम नवरात्रि से जुड़े जो भी कार्यक्रम है, माता रानी के श्रृंगार के लिए कोई भक्तों की क्या कुछ जैसे व्यवस्था रहती है? श्रृंगार के लिए जो भी भक्त आते हैं माता रानी को लहंगा चढ़ाना है, चुनरी चढ़ाना है, जो भी चढ़ाना है चढ़ाते हैं, जिसकी मनोकामना पूरी होती है अपना श्रृंगार चढ़ाता है माता रानी। अभी ये कब तक की बुकिंग है आपके पास श्रृंगार को लेकर? बुकिंग तो ऐसी ज्यादा नहीं है, बाकी आते रहते हैं, चढ़ता रहता है, कुछ वेटिंग तो ऐसा नहीं है, सुबह दोपहर शाम अपना चढ़ते रहते हैं। चलिए हमसे बातचीत के लिए धन्यवाद। वर्तमान के स्वरूप को आप देख सकते हैं, मंदिर को समिति की ओर से बहुत भव्य रूप प्रदान किया गया है। यहाँ 3 तलों में अलग अलग देवी देवताओं का निवास है। यहाँ पर भगवान श्री राम का अद्भुत मंदिर है, माता रानी तृतीय तल पर विराजमान है,
और भगवान हनुमान जी महाराज से इस मनोकामना शिला पर अपनी मनोकामनाएं लिख के उनका आशीर्वाद लें। धन्यवाद। मैं अमित हैरन, द खबरदार न्यूज से। बने रहिए और भी खबरों के लिए हमारे साथ।